नमस्कार, मेरा नाम विनोद गुजर और मैं आज आपको हथियादे डैम जो हमारे इलाके में बन रहा है एरिया में उसके बारे में डिटेल दूंगा। ये जो पाल का कार्य है करीब करीब पूरा हो चुका है और इसकी भराव क्षमता बहुत पानी है इसके अंदर। और जो ये सामने आपको गांव दिखाई दे रहा है ये करौरी खुर्द है और ये भी डूब क्षेत्र में आ गया है और यहाँ के किसान बहुत परेशान हैं। फ़ायदा किनको होगा, नुकसान अभी इनको उठाना पड़ रहा है, इनकी खेती बाड़ी सब चला गया और अब ऐसे ही है यार, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करते हैं। तो अब गवर्नमेंट का काम है, डैम है, चल रहा है कार्य, क्या करें। ये मेरी बाइक और पीछे जो खेती की ज़मीन, इधर बहुत बड़े बड़े गड्ढे दे दे, बहुत बड़े बड़े, इनमें से मिट्टी निकाल दी और क्या कहें, बिल्कुल बुरा लग रहा है, सुनसान एरिया हो गया। नहीं तो ये कभी हरा भरा बहुत ही अच्छा एरिया होता था। ये पेड़ पौधे अभी बचे हुए हैं पर इनको भी ना जाने क्या करेंगे, काट कूट देंगे यार। और ये देखो गड्ढे, बहुत ही खतरनाक गड्ढे गड्ढे हुए हैं पूरे गाँव, पूरा एक तरह से सफाया कर दिया गाँव का था इन लोगों ने, क्या करें। ठीक है जी, धन्यवाद। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर ठेकेदारों की मशीन वगैरह खड़ी है और जो भी ये दोपहर ही निकाल रहे हैं। अभी करीब जेठ का महीना चल रहा है, जून, मई जून, बहुत ही खतरनाक गर्मी, क्या करें, पर वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है जी, यहाँ पे इनकी मशीन वगैरह खड़ी है, ये एल&T, और इसका पाल का जो कार्य है ये करीब करीब पूरा हो चुका है और पाल की भी हाइट बहुत रखी गई है, करीबन 70-80 फीट के आसपास है। ये जो नीचे की साइड दिख रही है और यहाँ एक पुराना कुआ है और ये जो करौरी खुर्द गांव है ये पूरा डूब क्षेत्र में आ गया है और अभी तक यहाँ के किसानों को ना तो घरों का मुआवजा मिला है ना ज़मीन का मिला है, कुछ को मिला है कुछ को नहीं मिला है, अभी भी बाकी है। और इसमें अब पानी भरने के कगार पे ये है जी यहाँ का सीन।